नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देव शक्ति उपाय चैनल में। आज के टॉपिक में हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी आपको भोजपत्र के टोटकों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोजपत्र कोई पेपर नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भोजपत्र पर यंत्र सिद्ध हो जाते हैं। भोजपत्र को काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि जब हम कोई हवन करते हैं तो उस सामग्री में हम भोजपत्र को जरूर मिलाते हैं। ये कहा जाता है कि ऐसा करने से उस हवन की ऊर्जा बढ़ जाती है। भोजपत्र को काफ़ी शुद्ध और पवित्र चीज़ों में गिना जाता है। भोजपत्र प्रकृतिक द्वारा हमें वो स्रोत मिला है जिसके द्वारा हम अपनी पूजाओं को संपन्न करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी के अनुसार कुछ उपाय। अगर कोई व्यक्ति दूर चला गया है, आपके पास नहीं आ रहा है, वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं उसके साथ अटका हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शनिवार रात्रि में भोजपत्र को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लेना है। अष्ट धातु की तार से पीले चंदन से भोजपत्र पर आपने ओम क्रीम कृष्णाय नमः लिख देना है। उसके बाद भोजपत्र को फोल्ड करके पीले कपड़े में बांधकर आपने चावलों के बीच दबा देना है। उसके बाद आपने मन में एकदम से जो गिनती आपके मन में आए उतने दिन बोलकर कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है कि वह व्यक्ति आपके पास आ जाए। आपका कार्य जरूर ही पूर्ण होगा। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, आप कंफ्यूज हैं कि ऊपर से ये व्यक्ति अच्छा है लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु बन गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपने एक तांबे के लोटे के अंदर जल लेना है, उसमें लाल मिर्च के 11 दाने डालने हैं और भोजपत्र का टुकड़ा डालना है। फिर ये जल आपने किसी चुराहे में डालना है। ये विधि आपने लगातार 11 रविवार करनी है और 11 चुराहे अलग अलग होने चाहिए। इससे आपके गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे। इन उपायों को करने से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप इनसे जुड़ी जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देरी के नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी से संपर्क करें, समस्या बता के समाधान पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।